उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 330 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। नवगछिया में अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद जारी। केस के उद्भेदन और गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कर्मियों को किया जाएगा पुरस्कृत। भागलपुर के नवगछिया में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कई कांडों का उद्भेदन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल के दोपहर में अदो हस्ताक्षरी को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त सुमन कुमार उर्फ फंटुस कुमार अपने रिश्तेदार बड़ी अलालपुर के पास देखा गया। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष परबत्ता के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया। गठित टीम के द्वारा अविलंब उक्त स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया। अपराधी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं 7 अप्रैल की संध्या में गोपालपुर थाने के अंतर्गत गोसाई गांव भमरा के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति को जांच करने पर उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किया गया, जिसमें मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गोपालपुर के रंगरा थाना अंतर्गत गौरव कुमार और लालू कुमार को गिरफ्तार किया। चोरी की गई मोटरसाइकिल को भवानीपुर टावर चौक से चोरी के दो मोटरसाइकिल भी दोनों के पास थी। इन दोनों के निशानदेही पर के कालेलाल सिंह कालिंदी नगर से चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया और अग्रतर पूछताछ में ग्राम हरियो के जितेंद्र सिंह के घर से भी चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा जितेंद्र सिंह भागने में सफल रहा। वहीं 7 अप्रैल की संध्या में गोपालपुर थाने के अंतर्गत अमित कुमार गोसाई गांव स्थित दुकान से शराब के नशे में ब्लेडर प्राइट का करीब 600 ml विदेशी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि कांड के उद्भेदन और गिरफ्तारी में अपनी तत्परता दिखाने वाले सभी पुलिस कर्मियों को विभाग की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। अरशद ने पहले मंगलसूत्र तोड़ा, फिर महिला का ब्लाउज फाड़ा और दे दी रेप करने की चेतावनी। पार्षद की दादागिरी सर चढ़कर बोल रही है। पार्षद के भाई भी लोगों पर दिखाते हैं रौब। वार्ड पार्षद की अगर दादागिरी देखनी हो तो आ जाइए भागलपुर के वार्ड नंबर 13, जहां पार्षद और उसके भाई का बोलबाला है। अगर पार्षद के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो शायद उसकी शामत ही आ जाएगी। ऐसा एक बार नहीं, कई बार वार्ड नंबर 13 के पार्षद की दबंगई सामने आई। यूं कहें कि भागलपुर के पर्वतीय इलाके में लगातार पार्षद की दबंगई से परेशान हैं लोग। इतना ही नहीं, पार्षद के साथ साथ उसके भाई भी लोगों पर अपना रौब जमाते हैं। लगातार किसी न किसी बात को लेकर पार्षद व उसके भाई के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। इसी दौरान आज भी किसी बात को लेकर सुनील साह व उनकी पत्नी के साथ पार्षद रंजीत मंडल व उसका भाई शेखर मंडल के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। वही मामले को लेकर पीड़ित पक्ष विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर पार्षद रंजीत मंडल व उसके भाई के खिलाफ थाने में आवेदन दिया। पीड़ित सुनील कुमार ने कहा कि जबरन मेरे साथ पार्षद और उनके भाइयों ने मारपीट की और मेरी पत्नी का मंगलसूत्र भी छीन लिया और ब्लाउज भी फाड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऊंची आवाज में बात की तो मैं तुम्हारे साथ रेप कर लूंगा और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। साथ में उन्होंने कहा कि पार्षद चेतावनी पर यह भी कह रहा था कि कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं मिलेगा। इसको लेकर दंपति डरे सहमे किसी तरह विश्वविद्यालय थाना पहुंचे और अपने इंसाफ के लिए आवेदन दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस दंपति को कहां तक सहायता प्रदान करती है, इस दंपति को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। एक फूल दो माली, प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी की गई जान तो दूसरा आशिक पहुंचा सलाखों के पीछे। एक फूल दो माली की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र से सामने आया, जिसमें एक प्रेमी को दूसरे चाहने वाले ने ऊपर का रास्ता दिखा दिया, वहीं दूसरे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, ये प्यार गहरा होता चला गया। इसी बीच लड़के के दोस्त के नजदीक या उस लड़की से बड़ी और पहले लड़के को छोड़े दूसरे लड़के पर दिल दे बैठी ये प्रेमी को गवारा नहीं हुआ और उसने प्लान के तहत 6 अप्रैल गुरुवार की शाम उसे सिर में गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे इलाज के दौरान आशीष की मौत हो गई।
भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात हुई गोलीबारी मामले में घायल छात्र की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से लगातार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने मुजाहिदपुर के ही रविशंकर कुमार को गिरफ्तार किया, साथ ही एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था। रविशंकर को एक लड़की से प्रेम था। कुछ दिनों से प्रियांशु से लड़की की जान पहचान हुई थी, वो उससे बात करता था। रविशंकर को ये नहीं भाया, उसने प्रियांशु को समझाया लेकिन बातचीत होती रही। उसके बाद रविशंकर ने प्रियांशु को गोली मार दी। घटना के बाद मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति गंभीर होने पर पटना रेफर किया गया। पटना ले जाने के दौरान कल उसकी मौत हो गई। प्रियांशु मुजाहिदपुर में अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था। आरएन फैमिली रेस्टोरेंट, आरएन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आरएन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आरएन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। लावारिस अवस्था में अधेड़ का मिला शव। सीमेंट गोदाम में करता था मजदूरी, परिजनों ने सीमेंट गोदाम में घंटों किया हंगामा। हत्या का लगाया आरोप। सीमेंट एजेंसी के मजदूर ब्रह्मदेव यादव का शव श्रीराम हॉस्पिटल के पास आम लोगों ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। काफी संख्या में पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया, जहां वो मजदूरी करता था। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पिटाई की गई है, जिससे उसकी मौत हुई। परिजनों का कहना है कि मजदूर पप्पू केजरीवाल की फैक्ट्री में काम करता था और होली के बाद काम करने आया हुआ था, और आज उसका शव श्रीराम हॉस्पिटल के पास फेंका हुआ मिला। परिजन साफ तौर पर इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। केदारनाथ की पैदल यात्रा पर निकले इस्माइलपुर के युवक, 2 महीने के अंदर करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के भिट्टा गांव के अशोक यादव के 22 वर्षीय पुत्र शाश्वत कुमार शुक्रवार को शिव की नगरी केदारनाथ अपने गाँव से पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। युवक शाश्वत कुमार के माता पिता पुत्र के इस कार्य से काफी प्रसन्न हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। कुछ सामान लेकर ही पुत्र केदारनाथ यात्रा पर निकले हैं। वो 2 महीने के अंदर केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करेंगे। शाश्वत के भाई ने बताया कि कुछ वर्ष पहले यहां से साइकिल से कुछ युवक केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे। इसी को देखकर ये पैदल यात्रा का मन बनाया और वो दर्शन के बाद ही अब वापस आएंगे। वहीं शाश्वत ने बताया कि दृढ़ इच्छा और संकल्प लेकर निकल पड़ा हूं पैदल यात्रा पर। केदारनाथ 1400 किलोमीटर की दूरी तय अकेले करूंगा और मुझे उम्मीद है 2 से 2.5 महीने में मैं केदारनाथ पहुंचकर बाबा का दर्शन कर पुनः जल्द वापस अपने भागलपुर आऊंगा। वहीं उन्होंने बताया कि आप लोग भी वॉकिंग डिस्टेंस में ज्यादा से ज्यादा चलने, वाहन का उपयोग ना करें। वाहन का उपयोग करने से पॉल्यूशन बढ़ता है, अगर आप पैदल चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इंजेक्शन लगते ही 7 माह के बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। चिकित्सक के साथ हाथापाई भी की, देर शाम दोनों पक्षों में हुआ समझौता। नवगछिया में इलाज कराने आई बच्ची की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जगतपुर के रहने वाले मनीष कुमार अपनी बेटी को दिखाने नवगछिया के एक निजी क्लिनिक पहुंचे थे। बेटी अंशु कुमारी को गिल्टी था, जिसे दिखाने के लिए आए हुए थे। निजी क्लिनिक में उपचार के लिए 3 सुई व 1 बोतल दवाई पिलाई गई, जिससे बच्ची की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर संपत राय पर आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि जब बच्ची को लाए थे तो वो ठीक थी, लेकिन सुई व दवाई देने के कुछ देर बाद मुंह से फैन निकलने लगा, जिसके बाद डॉक्टर से पूछने पर कहा कि 1 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा। ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो बुखार बताकर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही गई। जब सरकारी अस्पताल बच्ची को लाए तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी तो मौत हो चुकी है। जब डॉक्टर संपत से पूछा तो वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। डॉक्टर संपत ने कहा कि गिल्टी का इलाज कराने आए थे, जो दवाई सुई होती है वो दी। बच्ची को बुखार आ गया, जिसके बाद उसे पट्टी सब दी गई, लेकिन इसे ऑक्सीजन की जरूरत थी इसलिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि बुखार सर पर चढ़ गया होगा, जिससे मौत हुई। हमने तो सही इलाज किया। डॉक्टरों
सात में मनीष के मनीष राम तीन रुपया दिले थे गरीब गाली गिल्टी होलो रे।